हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट प्रॉब्लम नंबर 4 and 5। ओके, प्रॉब्लम नंबर 5। द फॉलोइंग आर द समराइज्ड बैलेंस शीट एच लिमिटेड एंड एस लिमिटेड एज ऑन 31st March 2020। बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2020, लायबिलिटी साइड एच लिमिटेड एस लिमिटेड, एसेट साइड एच लिमिटेड एस लिमिटेड। ओके, लायबिलिटी साइड देखो, शेयर कैपिटल 1,80,000 और एस का है 1 लाख। देन इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच के हिसाब से है वो। सन्ड्री क्रेडिटर एच लिमिटेड के है 40,000 एंड एस लिमिटेड के है 20,000। बिल्स पेबल है 20,000, एस लिमिटेड 10,000। बैंक ओवरड्राफ्ट एच लिमिटेड 20,000, एस लिमिटेड डैश। प्रॉफिट एंड लॉस एच लिमिटेड 35,000, एस लिमिटेड डैश। ओके, एसेट साइड बिल्डिंग्स एच लिमिटेड 50,000, एस लिमिटेड 40,000। मशीनरी एच लिमिटेड 80,000 एंड एस लिमिटेड 20,000। फर्नीचर एच लिमिटेड 60,000, एस लिमिटेड 20,000। डेटस एच लिमिटेड 50,000 एंड एस लिमिटेड 25,000। इन्वेस्टमेंट 8,000 इक्विटी शेयर्स इन एस लिमिटेड एच लिमिटेड डैश, सॉरी एच लिमिटेड अमाउंट 55,000। प्रॉफिट एंड लॉस एच लिमिटेड डैश एंड एस लिमिटेड 25,000। ओके, बैलेंस शीट टोटल एच लिमिटेड की है 2,95,000 एंड एस लिमिटेड की है 1,30,000। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, डेटर्स इंक्लूड ₹10,000 ड्यू फ्रॉम एस लिमिटेड। एच लिमिटेड एक्वायर्स द शेयर ऑफ एस लिमिटेड ऑन 1st April 2019 व्हेन एस लिमिटेड हैड अ डेबिट बैलेंस ऑफ ₹40,000 इन इट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रिपेयर अ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2020। ओके, अब यहाँ पे हम वर्किंग नोट बनाएंगे, उसमें एज यूजुअल एच लिमिटेड एक्वायर शेयर ऑफ एस लिमिटेड है 1st April 2019 को, देन उसका शेयर निकालेंगे, फिर कैपिटल लॉस प्रॉफिट जो भी है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, रेवेन्यू प्रॉफिट का स्टेटमेंट बनाएंगे, माइनॉरिटी इंटरेस्ट का स्टेटमेंट, गुडविल का स्टेटमेंट, ये सब बनाने के बाद बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। ओके, स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हो, शेयर ऑफ एच लिमिटेड इन एस लिमिटेड, शेयर एक्वायर्ड बाय एच लिमिटेड डिवाइडेड बाय शेयर इशूड बाय एस लिमिटेड। ओके, 8,000 शेयर्स अपॉन 10,000 शेयर्स, मतलब 4/5। देन स्टेटमेंट ऑफ कैपिटल लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट ऑन 1st April 2019, जो लॉस था वो है 40,000 1st April 2019 का है 40,000 लॉस, वो हम क्या करेंगे, जो एडजस्टमेंट है, आप लोगों को ऐसे होगा कि बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस दोनों तरफ है, लायबिलिटी साइड को भी है और एसेट को भी, लेकिन जो एडजस्टमेंट है देखो, एच लिमिटेड एक्वायर ऑफ शेयर ऑफ एस लिमिटेड ऑन 1st April 2019 व्हेन एस लिमिटेड हैड डेबिट बैलेंस ऑफ ₹40,000 इन इट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब वो लॉस था। ओके, तो एच लिमिटेड को 32,000 आ गए और माइनॉरिटी को 8,000। ओके, देन स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट जो है वो बनाते हैं, उसमें प्रॉफिट अर्न फ्रॉम 1st April to 31st March, मतलब जो लॉस आया था अभी हमें 40,000,
जो देखो ये जो 40,000 लॉस आया था हमें, वो कहाँ से आया था कि एडजस्टमेंट थी हमारी जो वहाँ से हमें मिला है। तो अब हम क्या करेंगे, ये 40,000 माइनस 15,000, ये 15,000 को सॉरी 40,000 माइनस 25,000, ये 25,000 कहाँ के है, जो बैलेंस शीट में एस लिमिटेड का प्रॉफिट एंड लॉस है वो। मतलब 40,000 माइनस 25,000 हो गए 15,000, मतलब रेवेन्यू प्रॉफिट जो है वो है 15,000। ओके, अब वो 15,000 हम क्या करेंगे, एच लिमिटेड एंड एस माइनॉरिटी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओके, तो एच लिमिटेड को 12,000 एंड माइनॉरिटी को 3,000 आ गए। ओके, देन उसके बाद हम माइनॉरिटी इंटरेस्ट का देखेंगे, फेस वैल्यू ऑफ शेयर हेल्ड बाय माइनॉरिटी कितना है, 20,000। ओके, 2,000 शेयर्स ऑफ रुपीज़ 10, मतलब 10,000 शेयर्स माइनस 8,000 जो यहाँ पे है ना, शेयर इशूड बाय एंड शेयर हेल्ड बाय, तो उनका जो डिफरेंस आता है इन दोनों में से वो हम क्या करते हैं यहाँ पे माइनॉरिटी इंटरेस्ट करके जो आता है उसमें लेते हैं, मतलब 2,000 शेयर्स ऑफ रुपीज़ 10 इज मतलब 20,000। ओके, देन लेस कैपिटल लॉस 8,000, एड रेवेन्यू प्रॉफिट 3,000, रेवेन्यू प्रॉफिट कितना है 3,000। ओके, तो टोटल माइनॉरिटी इंटरेस्ट हो गया 15,000, टोटल माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना हुआ 15,000। ओके, देन स्टेटमेंट ऑफ गुडविल में कॉस्ट ऑफ शेयर एक्वायर्ड बाय एच लिमिटेड 55,000, देन लेस फेस वैल्यू ऑफ शेयर एक्वायर्ड 8,000 इंटू 10 मतलब 80,000, देन कैपिटल रिजर्व है 25,000, एड एच लिमिटेड शेयर इन कैपिटल लॉस 32,000, मतलब 80,000 माइनस 7,000 क्या हो गया, गुडविल हो गया, क्योंकि वो हमने माइनस किया उसमें से। ठीक है, देन 32 माइनस 25 हो गया, नहीं तो आपको लगेगा 25 माइनस 32 तो माइनस आ जाएगा, नहीं, लेकिन 32 माइनस 25 करना था। ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस था 35,000 एंड शेयर इन द रेवेन्यू प्रॉफिट 12,000 था, तो 47,000 जो है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस आ गया। ओके, इसके बाद हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे, उसमें लायबिलिटी साइड को शेयर कैपिटल इशूड एंड सब्सक्राइब जो एच लिमिटेड का था वो दिखाएंगे 1,80,000। ओके, देन सन्ड्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस 47,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स दोनों का मतलब एच लिमिटेड एंड एस लिमिटेड का 40,000 प्लस 20,000 मतलब 60,000 हो गए, लेकिन इंटरओविंग कंपनी एडजस्टमेंट है लेस 10,000, तो क्रेडिटर्स हो गए 50,000। देन माइनॉरिटी इंटरेस्ट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट 15,000, बिल्स पेबल एच लिमिटेड का 20,000, एस लिमिटेड का 10,000, टोटल 30,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 20,000, देन एसेट साइड गुडविल 7,000, बिल्डिंग एच एंड एस लिमिटेड का एच का 50,000, एस का 40,000, टोटल बिल्डिंग 90,000, देन सन्ड्री डेटर्स जो है वो 50,000 एंड 25,000 मतलब टोटल 75,000, इंटर कंपनी एडजस्टमेंट मतलब लेस 10,000, इसलिए डेटर 65,000 हो गए। उसके बाद मशीनरी 1,00,000 दोनों मिला के एच और एस, फर्नीचर 80,000 दोनों मिला के, तो टोटल बैलेंस शीट हो गई 3,42,000। ओके, अब इसके बाद हम और एक प्रॉब्लम देखेंगे, और बाकी सेम ही प्रॉब्लम है, मतलब
जो होल्डिंग कंपनी है उसमें ऐसे अलग कुछ नहीं आता है, इसलिए आप प्रैक्टिस करो, आपके पास बुक है शार्प है तो उसमें से प्रॉब्लम सॉल्व करो, अगर आपको नहीं आता है तो मुझे पूछना, मैं फिर से एक्सप्लेन करूँगी, ओके। लेकिन और एक प्रॉब्लम लेने के बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूँगी, क्योंकि हमारा अब कितना हो गया है, आई थिंक अकाउंटिंग ऑफ लिक्विडेशन हो गया हमारा, होल्डिंग कंपनी आज ख़त्म होगा, ठीक है। देन उसके बाद हम एब्जॉर्प्शन ऑफ कंपनीज लेंगे, और फिर एक बचता है फॉरेंसिक अकाउंटिंग, क्योंकि सिलेबस कवर करके रखते हैं, और शायद से आप लोगों के दोनों टर्म एक साथ होने वाले हैं, मतलब फर्स्ट सेम एंड सेकेंड सेम एक साथ ही होंगे, सो आई थिंक अगर उन्होंने एक साथ एग्ज़ाम लिए तो आपके एग्ज़ाम अप्रैल में स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक। इसलिए सिलेबस कवर करते हैं, और उसके बाद अगर आप लोगों को डाउट है कुछ है तो आप लोग पूछ सकते हो, या फिर मैं रिवीजन करके हर एक चैप्टर का एक दो प्रॉब्लम लेती हूँ। लेकिन फ़िलहाल उससे मतलब ये सब करने से पहले हम सिलेबस कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये फिर प्रॉब्लम हो जाने के बाद होल्डिंग कंपनी ख़त्म होता है, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर को एब्जॉर्प्शन ऑफ कंपनी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और एस वाई के बच्चों को मतलब स्पेसिफिकली मैं बताती हूँ, फर्स्ट हम अकाउंटिंग का सिलेबस कवर कर देते हैं, एंड देन आई विल स्टार्ट व्हाट बिजनेस मैनेजमेंट सेकेंड टर्म, बिकॉज बिजनेस मैनेजमेंट इज थ्योरी पार्ट, ओके। सो इफ मतलब आप लोगों को थ्योरी पार्ट जो है वो आप खुद भी लर्न कर सकते हो, मतलब रीड करके भी आप एग्ज़ाम में जा सकते हो, बट अकाउंटिंग का वैसा नहीं है। दैट्स वाई फर्स्ट हम अकाउंटिंग कंप्लीट कर देंगे, एंड देन आई विल टीच यू बिजनेस मैनेजमेंट, ओके। चलो तो नेक्स्ट प्रॉब्लम, फिफ्थ प्रॉब्लम है लास्ट वाला। द फॉलोइंग इज द, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, द फॉलोइंग इज द समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एंड एस लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2020। लाइबिलिटी साइड एंड एसेट साइड, लाइबिलिटी साइड शेयर कैपिटल 2,50,000, रिजर्व एज ऑन 1 अप्रैल 2019 30,000 and 10,000, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस एज ऑन 1 अप्रैल 2019 60,000 and 30,000, प्रॉफिट्स फॉर द ईयर 40,000 10,000, क्रेडिटर्स 1,30,000, सन्ड्री एसेट्स 1,80,000 and 1,20,000, शेयर इन एस लिमिटेड 2,30,000, कैश एट बैंक 20,000 and 10,000। एच लिमिटेड अक्वायर 80% ऑफ द शेयर इन एस लिमिटेड on 1st October 2019. Included in the asset of H Limited, there is ₹30,000 loan to S Limited. Show as creditors of S Limited. Sundry assets of S Limited include furniture and fittings of ₹40,000 to be revalued at ₹50,000, being over depreciated as at 1st October 2019. So यहाँ पे देखो, H Limited ने क्या किया है, एक्वायर 80% ऑफ द शेयर्स इन S Limited, ओके। एटी परसेंट शेयर्स क्या किए हैं, एक्वायर किए, ओके। उसके बाद एच देर इज 30,000 लोन टू एस लिमिटेड है, ओके, शोन एज अ क्रेडिटर्स ऑफ एस लिमिटेड। देन 40,000 एस लिमिटेड इंक्लूड फर्नीचर एंड फिटिंग ऑफ ₹40,000 टू बी रिवैल्यूड एट 50,000, बीइंग ओवर डेप्रिसिएटेड एज एट 1st October 2019। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, शेयर एक्वायर्ड बाय एच लिमिटेड कितने हैं, 80%, कितने हैं 80%, और एस लिमिटेड ने इशू कितने किए हैं, 5,000,
इशू कितने किए हैं, 5000, तो 4000 डिवाइडेड बाय 5000 हो गए. ओके, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ कैपिटल हम बनाएंगे. स्टेटमेंट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट में आएगा रिजर्व एज ऑन 1 अप्रैल 2019. अब यहाँ पे मिड दिया है क्योंकि 31st को क्लोज हो रहा है तो ओपनिंग 1 अप्रैल को होगा. मतलब जो फर्स्ट मतलब अक्टूबर जो बताया है वो मिड है, 6 मंथ का बीच का वो है. तो रिजर्व एज ऑन 1 अप्रैल 2019 था 10,000. अभी हम एस लिमिटेड का देख रहे हैं. ओके, देन प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट ऑन 1 अप्रैल 2019 30,000. ओके, उसके बाद प्रॉफिट अर्न फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 टू 1 अक्टूबर. मतलब यहाँ पे 1 अक्टूबर बताया है इसलिए मतलब 6 महीने के बाद के ट्रांजैक्शन भी हमें देखने हैं. मतलब होल ईयर में 6 महीने का गैप रखा है उन्होंने. तो 10,000 जो है हमारा प्रॉफिट वो 1 अक्टूबर तक ही पकड़ना है, मतलब हाफ ही लेना है. तो कितना हो गया, 5,000 हो गया. देन एप्रिसिएशन इन वैल्यू ऑफ सन्ड्री एसेट्स 10,000, क्योंकि 40,000 की थी वो 50,000 हो गई, इसलिए बींग ओवर डेप्रिसिएटेड ऑन 1 अक्टूबर 2019. तो कैपिटल प्रॉफिट हो गया 55,000 और वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम एच और माइनॉरिटी को, 44,000 एंड 11,000 आ गया. ओके, 44,000 क्या हो गया हमारा, गुडविल. देन स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट में आएगा प्रॉफिट्स अर्न जो 1 अक्टूबर टू 31 मार्च होगा 5,000. देन रेवेन्यू प्रॉफिट हो गया 5,000, वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एच लिमिटेड को 4,000 और माइनॉरिटी को 1,000 आ गया. ओके, देन स्टेटमेंट ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट देखते हैं. फेस वैल्यू ऑफ शेयर हेल्ड बाय माइनॉरिटी 1,000, क्योंकि यहाँ पे देखो शेयर्स एक्वायर्ड किए थे 5,000 और इशू किए थे 5,000 और एक्वायर्ड हुए 4,000, मतलब जो डिफरेंस है वो 1,000 का है. तो 10,000 माइनॉरिटी शेयर्स हो गए. उसमें कैपिटल प्रॉफिट उसका होगा 11,000, रेवेन्यू प्रॉफिट हो गया 1,000, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट टोटल हो गया 22,000. ओके, उसके बाद हम गुडविल देखते हैं. कॉस्ट ऑफ शेयर एक्वायर्ड बाय एच 2,30,000 था, लेस फेस वैल्यू ऑफ शेयर एक्वायर्ड 4,000 × 10, मतलब 40,000 लेस हो गए, और एक्सेस अमाउंट पेड 1,90,000, लेस कैपिटल प्रॉफिट मतलब शेयर जो निकाला था हमने वो 44,000, मतलब टोटल गुडविल 1,46,000 हो गए. ओके, देन स्टेटमेंट ऑफ कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस है 60,000, एड प्रॉफिट 1920 का हो गया 40,000, एच लिमिटेड शेयर इन रेवेन्यू प्रॉफिट 4,000, तो टोटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस 1,04,000. ठीक है, इसके बाद हम बैलेंस शीट बनाएंगे. एज यूजुअल शेयर कैपिटल लेंगे 2,00,000. अब ये शेयर कैपिटल कौन सा है, एच लिमिटेड मतलब होल्डिंग कंपनी का. देन रिजर्व एज ऑन 1 अप्रैल 2019 30,000, ये सब हम एच लिमिटेड का लेते हैं बैलेंस शीट में. प्रॉफिट एंड लॉस 1,04,000, माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो आता है वो पूरा 22, क्रेडिटर्स डेटर्स एसेट ये दोनों का लेते हैं हम एच लिमिटेड एंड एस लिमिटेड का. क्रेडिटर्स 1,00,000 एंड एस लिमिटेड के 30,000, इंटर कंपनी ओविंग एडजस्टमेंट है 30,000, लोन बताया था जो लोन था 30,000 वो हमने क्या किया है वो इंटर कंपनी ओविंग करके लेस करेंगे. तो क्रेडिटर्स हो गए 1,00,000, देन एसेट साइड गुडविल 1,46,000, कैश एट बैंक 30,000, सन्ड्री एसेट एच और एच लिमिटेड 1,80,000 एंड एस की थी 1,20,000, उसमें 10,000 एडिशन हो गए एप्रिसिएशन के, मतलब 1,30,000, तो टोटल एसेट हो गई 2,80,000. ओके, उसके बाद
310,000 हो गए, और उसमें से हम इंटर कंपनी ओविंग लोन लेस कर देंगे 30,000, तो टोटल सन्ड्री एसेट हो गई 2,80,000 और बैलेंस शीट 4,56,000। ओके, आप लोग प्रैक्टिस करो, मैं बताती हूँ, उससे भी अगर आप खुद प्रैक्टिस करते तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो अगर इसमें कुछ डाउट है तो आप मुझे बता देना। थैंक यू।